जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सांसद धर्मवीर सिंह के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से हार को देखते हुए चुनाव न लड़ने के बयान पर पलटवार किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भिवानी पहुंचे दुष्यंत चौटाला मनोहर सरकार पर जमकर परसे। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के लिए सीएम और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराया। देश के अंदर एक चीज तो साबित हो गई कि आज जो माहौल है वो परिवर्तन का है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, हर प्रकार से आर्थिक तौर पर भी और विकास के तौर पर भी प्रदेश को गिरावट देखने को मिली और इसके पूरे जिम्मेवार मुख्यमंत्री और उनकी टीम है। और जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री का छपा था चार पाँच दिन पहले भी हमारे यहाँ घोटाले हुए, इसका मतलब तो उनने मान लिया कि उनकी एक करप्ट सरकार है। विधानसभा चुनावों को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला लगातार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर चौटाला सोमवार को कई गांवों का दौरा करते हुए देर रात भिवानी पहुंचे थे और इस दौरान दुष्यंत चौटाला मीडिया से भी रूबरू हुए। जेजेपी और बीएसपी गठबंधन के जरिए प्रदेश की सियासी तस्वीर बदलने की तैयारी में है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये गठबंधन प्रदेश की राजनीति में नया बदलाव लाने में कितना सफल रहेगा। R9 TV के लिए भिवानी से जगवीर की रिपोर्ट।